रेडियो दाकड़ सुनने वाले और देखने वाले सारे लाडला ने राम राम। लाडलो रागनिया ने लिख के ना आजकल के जो कलाकार हैं उनका के मत है, के सोच है, इस चीज ने लिख के हम मिले आज के दौर के उभरते कलाकार और बहुत ही अच्छे गायक है भाई अमित रोना थे और हमने करी उन तक छोटी सी मुलाकात जो आपके सामने हम लेकर आए हैं अपने इस वीडियो में, ले सुनो। सारे बहन भाई नाथ जुड़ के राम राम। और हरियाणवी कलाकारों से और कला प्रेमियों और कवियों से मिलने जुलने, उनसे बातें करने और उनका जो संघर्ष है उसके बारे में पता लगाने की इसी कड़ी में आज हम पूछे हैं गांव रोणा में। भैयो, रोणा गांव के बारे में आपने बता दूं, जो चिर परिचित गांव, बड़ा सांस्कृतिक गांव है भाई, दैया खाप का एक नाम मान्योड़ा गांव है। बड़े बड़े कला प्रेमी, बड़े बड़े कलाकार इस गांव में हुए हैं और आजकल जो आज का दौर चल रहा है, इस दौर में इस गांव की जो रागनी संस्कृति है, जो अपनी गढ़वा बेंजू की रागनी है, इस संस्कृति ने लेके हमारे लिए परम आदरणीय तथा सत्तू जी के लड़के हमारे बड़े भाई अमित भाई, अमित दैया, इस चीज ने लेकर चल रहे हैं, उसी महान विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई बड़े भाई अमित रोणा से। अमित भाई राम राम। राम राम जी भाई साहब। ठीक हो भाई साहब? ठीक है भाई साहब। कौन महाराज जी? महाराज जी खुशी। तो आज हम अमित भाई से बात करांगे कि भाई वो आज जिस मुकाम पे हैं, इस मुकाम पे कैसे पहुंचे, कौन कौन सी दिक्कत आई और भी बहुत सारे अनछुए पहलू होंगे जो अमित भाई के साथ बीते यहाँ तक पहुंचने में, इस महान सांस्कृतिक परिवार में जिसमें बड़े बड़े कलाकार मर गए, के दिक्कत आई, किस डाली आगे बढ़े, कितना संघर्ष इन्हें करना पड़ा, माँ हरियाणवी संस्कृति खातिर इन्हें कितनी कुर्बानी दी। तो अमित भाई शुरुआत करा हम सिलसिलेवार आपके जन्म पे। ठीक है, आपका जन्म कौन से साल में होया? मेरा जी जन्म होया भाई साहब 1984 में 10/4/1984 10 तारीख चौथा महीना अप्रैल का महीना 1984। अच्छा, फिर मतलब क्या बहन भाई को? हम जी तीन भाई हाँ, एक बहन थी। अच्छा। वो गुजर गई थी। अच्छा, फिर भाई आप चार भाई बहन थे। हाँ जी। आपका कौन सा नंबर थी? मैं बड़ा हूँ जी। अच्छा, फिर मेरे से छोटा भाई रवि काला, वो भी एक्सपायर हो गया जी एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में। अच्छा। उसके दो बेटी हैं जी और एक बेटा है और एक मेरे से छोटा भाई जो साथ में ही रहता है सुरेंद्र, उसके उसकी भी शादी हो रही है, दो बच्चे हैं उसके जी, एक लड़का एक लड़की। हाँ जी, बेबे सब तो छोटी थी। हाँ जी बहन जी सबसे छोटी थी। अच्छा, फिर मतलब आप सब तो बड़े थे, फिर स्कूल की शिक्षा दीक्षा कभी पाई? स्कूल की जी शिक्षा गांव से ही हुई, मैं गांव में पढ़ता था तो यो हमने शौक लग गया भाई साहब, एक महेंद्र सिंह मास्टर जी होया करते खांडा गांव के, शेरी खांडा। हाँ, खांडा शेरी। वे बड़े अच्छे इंसान थे, रागनी प्रेमी थे, वो गाते भी थे। शौकिया। तो जैसे स्कूल में जाते हम, तो जैसे बाल सभा होती थी शनिवार को, तो कोई बच्चा चुटकुला सुना देता, कोई अच्छी कविता सुना देता और हम ये रागिनी सुनाते थे। जैसे घर में गाने बजाने का माहौल था। तो बहुत बड़ी विरासत है परिवार में। तो बस जी विरासत तो मैं भाई साहब आपको बताऊं, हमारे दादाजी होया करते प्यारे। अच्छा। और उन्होंने पंडित मांगेराम के साथ भी बजाया। अच्छा। और जो मेरे नहीं, कौन सा साथ बजाया करता था? ढोलक। अच्छा। हाँ जी। और जो मेरे दादा के पिताजी हुए
मेरे पड़दादा जी मीर सिंह जो मीरू के नाम से प्रसिद्ध हो गांव में भी, गांव के गुआंड में प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, तो वो हमारे दादाजी जो मीरू थे वो लक्ष्मीचंद के पहले ढोलकिया थे। अच्छा। हाँ जी, लक्ष्मीचंद के सबसे पहले ढोलक वादक मेरे पड़दादा जी थे मीरू जी। फिर उनके भाई होए जी प्यारे लाल, उन्होंने पंडित मांगेराम के साथ बजाया, व्यास के साथ बजाया, रामकृष्ण व्यास के साथ, और जी जाटमेर सिंह के साथ भी बजाया जी। अच्छा। वो हमारे दादा जी बताया करते जी, हमारे गांव के अभी भी वे मानस जीवे हैं कुछ। हाँ। मेर सिंह भी अच्छा गाने वाला होया जी। सर जिनका नाम होया ना अमित भाई, से वो दादा रामकृष्ण व्यास जी हो, दादा मांगेराम हो, दादा लक्ष्मीचंद जी हो, राय साहब गणपत सिंह जी हो। हाँ। बाजे भगत जी हो। हाँ जी। और अपने दादा कृष्णचंद नादान होया। हाँ जी। मोजीराम होया, ये इनका नाम उस टाइम और तो कोई जरिया था ही नहीं। ना जी। जिसका भी नाम उस टाइम होया वो न्यू होया, वो बहुत बढ़िया कलाकार था। बिल्कुल जी। उसमें क्या ना क्या खासियत थी, जरूर थी जी। क्योंकि आजकल तो क्यों रह गए, आजकल तो कई तरीके हैं अपना नाम खुदवाने के, फिर एक पैसे का चलन भी हो गया। हाँ जी। और ई सिस्टम भी घने हो गए, घनी चीज आ गई, कई डाल का आदमी अपना नाम ऊपर लिया है। उस टाइम तो बोले टाइम फिर जो असलियत होती है ऊपर आया। अच्छा। फिर मतलब आपके जो दादाजी थे उन्होंने लगभग सब सबके साथ काम कराया जी। उन्होंने ढोलक वादक थे। और जो मेरे पिताजी हैं, जो हमारी दादी थी, मेरी दादी के पंडित लक्ष्मीचंद की सारी कविता याद थी। अच्छा। जो मेरी दादी थी वो कंजावला की थी जी। जो कंजावला के हुए हमारे दादाजी नान्य कुरतुंगल, जो पंडित लक्ष्मीचंद के साथ गजब गजब की जोड़ी थी, ढोलक बजाते थे तुंगल और नगारा बजाते थे हमारे दादाजी नानक जी। मेरी जो दादी थी वो नानक की लड़की थी। भैया मेरे खातर नई जानकारी है, मेरी ख्याल में आप सब खातर भी नई जानकारी होगी, इस बात का हमने नहीं किया। तो जी मेरी दादी की बताते हैं कि बचपन में माँ गुजर गई थी, तो मेरी दादी अपने चाचा की साथ और अपने पिताजी की साथ वो सांग में ही पड़ी। और मेरी दादी को बहन मानता था पंडित तुलेराम, अगर घर पे आता या कहीं मुलाकात होती तो उस नाते से मेरी दादी को बहन कहता था पंडित तुलेराम। और मेरी दादी के जी लक्ष्मीचंद की सारी कविता याद थी। माशे पाले राम जी मेरी दादी पे, मास्टर सतबीर पाले राम जी, बाबूराम दैया, ये रागिनी भी लिखवाते थे, बैठते थे उनसे पूछते थे। बचपन में जब बालक हो है हम छोटे हो, हाँ, तो उस टाइम हमारा भी दिमाग हो बिल्कुल निर्मल हो है। हाँ जी। कोई लांछन नहीं होता, कोई राग द्वेष किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, तो उस टाइम जो बढ़िया जगह रह गया तो वह प्योर जगह रही दादी तो। हाँ जी। हर घर में रही तो सांग के बेड़े के साथ रही या सांग के बेड़े में रही। हाँ जी। तो उससे जो बात मतलब असली जो बात थी, जो मतलब असली दादा लक्ष्मीचंद जी को बताई थी। आजकल तो चलो घड़िया चल रही है, उस पर तो जिक्र करना समझ रहा है, देश देश जाने की बात करते तो वह मतलब दादी ने सीखी। और उन उस टाइम के जो समकालीन गायक थे, चाहे वो कोई से भी क्यों ना हो, मास्टर जी या आपने बताया मासे जी दोनों मासे जी मतलब जी। तो और भी जितने समकालीन गायक थे मतलब दादा जी सही लिखवा के जाए बैठा करते बात करा करते। हाँ जी। अच्छा। तो जैसे जी कुछ गर्भ से वो हो गया जी खून का संबंध, फिर हमारे बाप ने शौक होया जी वो हमारी दादी के कारण। और हमारे दादाजी जो मीरू थे और हमारे दादाजी जो प्यारे लाल थे वो कुछ खून का मतलब ये सारे जिया कर जीते होंगे जब तो चाचा जी का जो जन्म है। हाँ जी। हाँ हाँ। ये बचपन में मतलब ये बात सुनी। हाँ सुंदर भाई। तो फिर हमारे पिताजी ने शौक हो गया जी, फिर पिताजी की मुलाकात हुई माशे पाले राम से। एक दिन मेरे पिताजी हमने रामलीला दिखाने ले जा रही थे।
खरकोदा में। तो माशे पाले राम दबू जन लागे कि जी आप पाले राम हो? बोला हाँ भाई पाले राम। बोला आप? बोला जी मैं न्यूरोने गए नाम है, मन में भी शौक है जी। बोला भाई शौक से तो मेरा आज फलानी फलानी जगह पे रोग राम नहीं आ रहे। अच्छा। बोला चल लेने दो दो भाई चल लेने। तो ये कब सी की बात है, कौन से साल की बात है ये अंदाजन? अंदाजा जी ये करीबन मेरे हिसाब से तो 28-30 साल से भी ज्यादा पहले की बात होती थी। 80 मान लो जी 80 के तो ऐसी की मान लो 80 का आसपास की बात है जो पहली बार मतलब तथा सतगुरु जी मासी जी से मिल ली। हाँ जी। तो फिर वे हमने छोड़े गए घर, मेरे पिताजी और माचे पाले राम जी प्रोग्राम में गए। फिर उन्होंने प्रोग्राम किया वहां से माचे पाले राम का और हमारा मेरे पिताजी का संबंध होया था। मतलब प्रोग्राम बढ़िया रहा? बढ़िया जी। और वो संबंध आज भी कायम है जी। पाले राम जी से हमारा घरेलू लगाव रहा जी और आज भी है। और परमात्मा से हम विनती करते हैं कि आगे बढ़े रहे। सांस्कृतिक परिवारों में आपस में मतलब बोलचाल बैठ उठ संस्कार होने में चाहिए, क्योंकि अगर ये सब इकट्ठे रहेंगे तो आपस में कि मैं बेहतरी खातर बात करनी हो या कोई और बढ़िया चीज इनोवेशन कोई नई क्रांति लानी हो कोई नई चीज जोड़नी हो उस खातर भी मतलब सबका एकजुट होना मतलब मेल मिलाप होना तो बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा फिर भाई साहब आप गांव के स्कूल में जाने लगे? हम उठा आ गए ऑफिस। हाँ मैं गांव के स्कूल में जाने लगा जी। तो महेंद्र सिंह मास्टर जी का जो मैंने जिक्र करा था वे बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने फिर मारे भी वो शौक सा लग गया, फिर गाते बजाते थे। तो जैसे फिर माशे पाले राम कर मेरे पिताजी का संपर्क हो गया तो घर माशे जी आते थे। तो घर भी फिर रागिनिया का ये जिक्र चलता। तो यो ज्ञानी ते ज्ञानी मिले और भाई छड़े ज्ञान की बात। हाँ जी। यो फिर शौक मारे भी लायक गया जी। तो फिर बालकपन में जब मतलब हाँ बचपन से दुनिया लोरी सुने हमने रागिनी सुनी। हाँ जी। और रागिनी भी किन दौरे सुनी किन आदमी ने चर्चा सुनी अभी तो बड़ी बात है ना। हाँ जी। मतलब उस टाइम के जो मतलब सांस्कृतिक पुरुष थे जिन्होंने या जो गढ़वा बंशी की जो अपनी संस्कृति है बनाई या चलाई। हाँ जी। और चरमोत्कर्ष पे थे उस टाइम पे उनकी बात हमने बचपन में सुनी। हाँ जी। तो माशे जी आज भी ऐसे ही कलाकार हैं कि माशे पाले राम के जैसे प्रोग्राम होते तो हम देखने के लिए जाते तो माशे पाले राम जी कह देते अरे सुना तू भी। हाँ, हाँ। आजा बड़ा मौका दिया माशे। हाँ बहुत जी बड़ा योगदान ऐसा जी मैं दिल से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी खिलाफ रहे मेरे से और माशे पाले स्कूल में हम स्कूल में। हाँ बड़े भाई जी। हाँ ये मतलब स्कूल में महेंद्र मास्टर जो कि शेरी खांडा जिन्होंने आपका बड़ा सहयोग करा बहुत जी। बाल सभा में हम गाते रहे। हाँ जी। अच्छा गांव में कौन सी क्लास थी का स्कूल है? हमारा 10वीं तो ही है। 10वीं गांव में? हाँ जी। 10वीं तो ऐसा हो गया था भाई मौका हालांकि एक दो बार फटका दी। हाँ जी। 10वीं तो पहले आप माता जी के साथ जान लगे? हाँ जान लग गया था जी। फिर सुनन जाना पे एक अलग चीज, हम सुनन चले गए किसी ने कह दी छोरा गई तो खड़ा है तू एक आध बात गा दी यो जाना एक अलग चीज है। तो एक मतलब हम श्रोता के तौर पर जा बालक के तौर पर जा। हाँ जी। मतलब न्यूज करे मतलब माशे जी की पार्टी में जान लगे था? माशे जी की पार्टी नो मान लो जी तकरीबन जानकार रहते थे जी उस पार्टी में। अच्छा। तो जैसे सुनने के लिए जाते तो कई बार तो ऐसा दौर होया जैसे जड्डे होते तो घर से न्यू बता के जावा आज प्रोग्राम में जावा हाँ तो घर के जान नहीं थे। जैसे थारा भी ऐसा योग था क्या रहा? हाँ ऐसा योग रहा आज। अच्छा। एक बार ठरू प्रोग्राम जी सोनीपत के पास माशे पाले राम का प्रोग्राम और मैं चादर नहीं ले जा रहा जाडा पड़े तो माशे जी बोले चल भाई प्रोग्राम में चल देंगे।
और मेरे पास चद्दर थी नहीं, तो हमारे गांव के बड़े अच्छे इंसान हुए ओमी मास्टर जी, उन्होंने भी इस लाइन को बड़ा सहयोग करया। अच्छा। बड़े अच्छे इंसान रहे वो। रावण का भी शौक था सोने का शौक था जी। यो तो सबसे बड़ा शौक से। हाँ यो शौक तो आदमी ने घर का छोड़े ने घाट का छोड़े गाँव या तमी तो कर ले अब प्रोग्राम है अपने घर जाएगा बढ़ गया ये सुन ये क्या है जो के नहीं ये पढ़े नहीं सकते करने। तो फिर माशे जी ने जो उनके लड़के हैं प्रवीण अच्छा। वो श्याल और ड्रेदे लीले कलर की मेरा आज भी बात याद है मास्टर जी का लड़का अच्छा। ओम प्रकाश जी का हमारे गांव का ही माशे पाले राम ने उसका श्याल दवाया मेरे लिए अच्छा। भाई वो श्याल दिए यो प्रोग्राम में जागा फिर माशे जी ने मेरी उड़े रागिनी करवाई थरू। हाँ ऐसे ही माशे जी मेरे को मौका देते रहते थे खूब जब भी मौका लगता। हाँ जी भी मतलब ध्यान सुना दे दो बार। हाँ जी फिर जैसे हमारे गांव में भाई साहब चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाते बड़ा बड़ा फेमस प्रसिद्ध सा प्रोग्राम मतलब कंपटीशन था यो ताऊ जी की याद में जो मतलब हाँ रोना करवाता कई साल हुए तो भाई। हाँ जी अब भी होता है हमारे आदरणीय मास्टर टीलू राम जी जितेंद्र उर्फ टीलू पहलवान जी रोहतास नेता जी महेंद्र प्रधान जी काफी हैं उसमें अपनी जो मतलब कमेटी है तो वो प्रोग्राम करवाते थे वे माशे पाले राम को फिर मानंद मलिक को बाबू राम दैया रणबीर बड़वासनी मास्टर सतबीर जगबीर कारोरिया सभी कलाकार राजेंद्र सिंह खरकिया उस टाइम के जितने धुरंधर थे बाली शर्मा बड़ा मतलब मान्योड़ा कंपटीशन है रोना का न्यू नहीं। हाँ जी और हर साल होया करता शायद मतलब ताऊ जी के जन्मदिन पे होया करता है चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे होता हाँ। है भाई साहब हाँ। तो गांव ने भी मेरा बड़ा सहयोग करया बचपन पे मैं ही मेरे को उठा देते थे रागिनी के लिए सुना मेरे को पैसे देते थे हौसला अफजाई करते थे। हाँ जी और मेरे को न्यू कहते थे लाए दे बेटे आंगा लाए दे बेटे आंगा और ये पार्टी जैसे आज ये पार्टी का रूप ले रही है भाई साहब और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे गांव का बहुत बड़ा सहयोग है राम गाम राम बिल्कुल जी मैं दिल से अपने गांव की और इस सारे श्रोताओं के सामने नतमस्तक हो गए राम राम करता हूँ जो हमारा इतना सहयोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया भाई और गांव ने राम ने मेरे यारे प्यारे ने मेरा बड़ा सहयोग करया है हर करण लाग रहे हैं हर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ करते रहिए आगे भी करते रहिए सही बात है सहयोग बिना कुछ नहीं। अच्छा फिर भाई साहब आपने दसवीं कर ली। मैंने दसवीं कर ली जी फिर पढ़ाई पढ़ाई भाई जी दसवीं के बाद मैं पढ़ नहीं पाया जी। अच्छा मतलब यो शौक इतना हो गया जो नहीं पढ़ पाए मतलब कोई और पढ़ाई मन ना लग गया मतलब के कारण आपके साथ रागिनी बत्ती याद होया करती जी। अच्छा पढ़ाई याद नहीं हो जी। अच्छा हाँ जी मैं स्कूल में भी ऐसे करता था कि तफरिया में बाजे आरता में अच्छा। तफरिया में नहीं बाजू तो जाडे आले प्रोग्राम नहीं हाँ। वो कहे नल्ले सही बात है बाद माशे जी का उड़े प्रोग्राम तो ना कहे जीप में बढ़ जाते माशे पाले राम जी जीप ले रहे हाँ, महेंद्र आज दोनों उदय प्रोग्राम भाई अरे माशे जी तो भाई 4 बजे खरकोता आ जाएगा दुकान पे ओमी की पे रजाड़े दे 4 बजे छुट्टिया चले जाएंगे रह जाएगा मतलब शौक था जी। अच्छा फिर भाई दसवीं पातशाह आपने मतलब पूर्ण रूप से जो गाना था वो एक प्रोफेशन एक व्यवसाय के तौर पर अपना हाँ जी मतलब व्यवसायिक हो गए थे आप उस टाइम पे व्यवसायिक का मतलब मैं आपने पहले स्पष्ट करूं कि जो 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 कह रहे एज ए साजन दा या एज ए कलाकार हम जान रहे वो हो गए तो मतलब भी आप शौक में चल रहे थे। मैंने ऐसा करया जी मैंने माशे पाले राम के साथ फिर गढ़वा बजाया अच्छा मास्टर सतबीर के पास माशे पाले राम जी दसवीं पास करे पास सही बात है ये। हाँ जी अच्छा। मेरा आज भी बात याद है जी मेरी सगाई थी जिस दिन उस दिन भी माशे पाले राम का साबण में प्रोग्राम था अच्छा हाँ जी और माशे जी का मैं फिर से कहता हूँ ऐसा योगदान रहा
निबला सगाई तो होगी साल प्रोग्राम में चल लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, मतलब हमने संस्कृति खातर खूब मतलब उस दिन भी काम करा जिस दिन कोई नहीं करता। हाँ जी। और जी फिर मैं रणबीर के साथ भी रहा, दादा रणबीर के साथ रणबीर बुढ़ा सिंह। हाँ जी। और जी मैं सत्य प्रमाणिया के साथ भी रहा, पंडित राकेश कलोया के साथ भी रहा, वीरपाल खरकिया के साथ भी रहा, मेरे बड़े भाई नरेंद्र दैंगी के साथ भी रहा, मैंने काफी कलाकारों के साथ काम करया भाई, उस्ताद के तौर पे, साजंदे के तौर पे, साजंदे के तौर पे उस्ताद तो मेरे ये हैं भाई, मेरे से बड़े हैं। मैं आज भी दिल से उनकी कदर करता हूँ, क्योंकि भाई उनके साथ भी रहेगा हमारी जानकारी बनी, जानकारी बड़ी फिर साथ में की है भाई के जब हम नजदीक तो देखा इस चीज में कि भाई वो गान लग रहा है, कुकर गान लग रहा है, कड़ाई इसने सांस लिया, कड़ाई इसकी भरी, कुंसी तर्ज में जोर लाया, और फिर जो टेकिया हो गया वो साजिंदा हो है, वो ना केवल बजावे है, वो तो उसका कर्म है, उसने करना ही करना है, उसके साथ साथ में उसने एक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो मिल रहा है, व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है, वह बहुत बड़ी चीज है। जी। वो कैसेट सुनिया थे और दूर बैठ कर सुनिया था नहीं मिलता, क्योंकि स्टेज पर वो बैठा रहा, उसने मेरा पाटा ही मान लो हम पांच जने हैं, एक की आवाज दब रही है, आज गड़ा थक रहा है, तो हमने जोर बाद भी लाना है, या तरज ऊंची है या तरज नीची है, इसमें क्रास में गाना है, इसमें मध्यम में गाना है, इसमें ऊंची तरज है, इसमें बाद जोर ला के गाना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान, ये उत्तम मिल रहा है जब हम पार्टी के मैं बैठे रहा। क्योंकि जी ड्राइवरी करने से पहले भी जी पहले तो हेल्पर ही करनी पड़ती है, फिर कंडक्टरी करनी पड़ती है, फिर कोई ड्राइवर ड्राइवरी सिखाता है, ऐसे ही हमने जी सभी कलाकारों के साथ काम करया, दिल से करया जी, सबकी इज्जत करी, सबने हमारा साथ भी दिया, सबने हमारा साथ दिया और आज भी साथ देते हैं। फिर मतलब आस्ता 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 चल गई, कब नहीं महसूस हुआ मैं भी पार्टी बन, या मतलब हम पार्टी बना ले, या मतलब कि भाई मैं भी ये दिल से भाई बताना चाहता हूँ। अच्छा चलो स्वागत है, क्योंकि मैं पिछले मेरा पिछला जो इंटरव्यू हुआ था मैं उसमें बता नहीं पाया भाई। अच्छा भाई धर्मेंद्र प्रधान रेवली, रेवली पड़ेगा रेवली जी मुरथड़ के पास। अच्छा। सोनीपत में, सोनीपत में वो प्रोग्राम करवाता था भाई, धर्मेंद्र प्रधान रेवली। हाँ, तीन बार सरपंच रह चुके हैं, बड़े अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे समाज सेवी है, तो उन्होंने प्रोग्राम करवाते थे वो नए साल से पहले दिन। हाँ, नए साल की रात में, नए साल की रात में, तो भाई आज से पांच साल पहले वो प्रोग्राम भाई बढ़िया हो गया, तो मेरे बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी कहने लगे कि भाई बजावे नहीं गा। अच्छा। भाई बजाऊ नहीं गा तो मेरे बालक भूखे मर जाएंगे प्रधान जी। बात है, मेरा तो यही रोजगार है, मेरा तो भाई यही रोजगार है। बोला भाई छोटे भाई तू पार्टी बनाने से पहले क्यों इतने पड़ते ला रहा है, मतलब चल लांगे जब मेरा पटकरा खराब से किसा है। हाँ जी। तो उन्होंने फिर मेरी ये पार्टी बनवाई और मेरा बड़ा सहयोग करया भाई धर्मेंद्र प्रधान ने, मंजीत सरपंच है मंडोरा से, मेरे बड़े भाई उन्होंने भी हमारा बड़ा सहयोग करया, मेरे गांव से हैं देवेंद्र पहलवान जी, सतपाल पहलवान जी, वेद पहलवान जी जो प्रताप स्कूल वाले, हाँ जी टीलू मास्टर, और सारे गांव ने और आसपास के सभी ग्रामवासियों ने, भाई सन्नीर ने, डॉक्टर ने जो मेरे सिंह कमेटी से हैं, मेरा बड़ा सहयोग करया, मतलब गांव को आंट दिया। हाँ, जो आसपास के जो संस्कृति प्रेमी थे या जो काम करया करते। हाँ जी, जिन्हें हमारा काम बढ़िया लगे उन्होंने हमारा सहयोग करया करया जी, और आज भी करते हैं, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भैया आगे भी करते रहे। बिल्कुल। अच्छा अमित भाई, बीच में दो तीन बात रहेगी। हाँ जी। आपने दंगल में पहली बार कितनी उम्र में गाया, कि मैं ध्यान सा है मोटा मोटा दंगल याद पाऊंगी भैया, पर ध्यान सा है अंदाजा सा कितनी उम्र थी, ये गाया यो जाना तो बढ़िया।
भाई नू मान ले कि मेरे दे एक बात याद है, मनजीत भाई मेरे मामा होया करते सतबीर कलोई के, जो मास्टर सतबीर के पास गढ़वा बजाते थे वे गुजर गए हैं। हाँ जी, उनकी शादी थी। अच्छा, तो उनकी शादी में मास्टर सतबीर पालेराम जी, सत्य फरमाणिया, राकेश कलोया, राजेंद्र कर किया उनका प्रोग्राम था। अच्छा, जो सारी तोप बुला रखी थी उस टाइम की। सरू मन रहा है कि नहीं उड़ेगा। अच्छा, कितनी उम्र थी? 12 साल। तो 12 साल की उम्र थी लगभग आपकी, जब आपने पहली बार कलोई में। हाँ जी, लाया। हाँ जी, उसकी शादी में गा रहा है। उसके बाद तो फिर कई जगह गाया। कंपटीशन ओपन जो कंपटीशन है, अर्जुन यू का कोई आ जाओ। मेरा पूरा बड़ी पूठ गा था जी मैंने बालक से ने। अच्छा। एक बार मांड उठी गा था मन मेरे में माशे पाले राम ने मास्टर सतबीर ने पाशी के ला करवाई थी रंग काट में। अच्छा, जो ये हमारी पाशी है लेडीज कलाकार, बहुत बढ़िया से कलाकार भाई, बढ़िया, मतलब उस दौर में रह गए भी जिसने सब गाया बढ़िया गाया। टक्कर दी। हाँ जी, धुरंधर टक्कर दी। नहीं एक तो मतलब ठीक से अपनी सिफारिश दिखाई, बटर करके चली गई। हाँ, टक्कर दी थी, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर उसके साथ गा जी मांडोठी में। हाँ जी, वाकई उसी की बात है। बालक शायद है। अच्छा, यह उम्र थी मतलब 13-14-15 साल। हाँ, फिर बड़ी पूठ गाया जी दानंद के साथ और नरेंद्र बैसवाल जी के साथ। उड़े भी माशे जी के ओल्ड में प्रोग्राम था, माशे जी सटेज संचालक थे, मेरा उनके साथ करवाया। तो भीतर तक के आवाज आई भाई मैं कलाकार बन सकू, यह भी होया करे कई बार। क्या हो है कि हम एक काम ने करते जावा मन में नहीं होए नहीं भाई इसके बाद भी हम कर सका, तो एक भीतर का आवाज आया करे मन क्या करे तो कर ले। ये आवाज तो जी 4-5 साल पहले आई, मैं सच्चाई बताऊं। अच्छा। हाँ जी, अरे फिर कलाकार बने तो उसमें मतलब कलाकार ने किससे भी याद करनी पड़े, बात भी याद करनी पड़ती है जी, आप गाने भी पड़े हैं। हाँ जी, तो मैं नहीं पूछना चाहूँ कि आपने पुरुषा किस्सा सबसे पहले याद करा पड़े भाई। मन ने सबसे पहले साफ शंका कर दोनों दादाओं। हाँ जी, गाया कौन सा? तो यूं नहीं कि कई बार क्या हो है कि दो दो चार बात गा कर मुझे हट जाओ, एक हो बस सारी रात या सात दिन का प्रोग्राम हो रहा है पूरा किस्सा गाना पड़े। हाँ जी, न्यू मान लो जी जैसे अपना साहब सिंह और जी शेठ ताराचंद नौटंकी ये ज्यादा हो गए। तो मतलब जब पहली बार पूरा किस्सा गाया तो मन में क्या आया? भाई मन में न्यू आया मनजीत भाई। हाँ। ये मान ले भाई जब किस्सा गाया ना 20 बात मान लो किस्से की या 15 मान लो, तो मन में एक ये बात तो आई कि अगर कोई अकेले ने बोला ले और उनकी चवाइस हो जाए कि भाई हमने तो किस्सा सुना थी, एक लगातार बात सुना तो दिल को न्यू सुकून सा महसूस होया कि भाई जब कोई अकेले ने बोला देर किस्सा सुनना हो तो हम कोशिश ही कर सकते हैं। हाँ, मतलब गाटा गिरड़ जाए। हाँ। अच्छा अच्छा, अमित भाई कुछ तरह जिसी लागती हो भाई या मेरी फेवरेट सी है, सब तो नजदीक है, फेवरेट तो ले सारी हो कलाकार ने, लेकिन एक आधी तरजी सी हो जो कभी कालजे का नजीक हो है इस पर ठाइड हो है भाई या मेरी अपनी तर्ज है। भाई तर्ज तो सारी है बढ़िया होती है मनजीत भाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो पुरानी धुन है ना उनका अलग ही मजा है। जैसे जैसे पण लक्ष्मी चंद की है, हेरे खेल थे कपटी सोगनी हे रे
सो पड़े दरबारा में बेचगीरे खेले थे कपटी सोगनी चौपड़े दरबारा में बेचगीरे खेले थे कपटी सोगनी हेर कट्ठे हो रे थे अन्यायी करी सोगनी ने मन की चाही करी सोगनी ने मन की चाही थे चाचा ताऊ के भाई थे चाचा ताऊ के भाई पर आपस में करी खिचगी रे खेले थे कपटी सोगनी चौपड़ हेरा दरबारा में बेचगी रे खेले थे कपटी सोगनी। बहुत खूब भाई, इतने ठहरावते हैं बिना साज के और न्यू गाना न्यू दिखावा के तब तक चेक कर रखी हम, बहुत मुश्किल काम है। भाई जाट में ऋषिंग भी हैं पुरानी तर्ज जैसे ए से तेरे पिता की गलती तेरी सकल पवन ते ना मिलती से तेरे पिता की गलती है गलती तेरी सकल पवन तैना मिलती कुछ नावर तेरा है तेरी अंजना जोड़ी ना मिली से तेरे पिता की गलती है गलती तेरी सकल पवन तैना मिलती कुछ नावर तेरा है तेरी अंजना जोड़ी ना मिली हे तेरी बाता मना गेरू तरक स्वर्ग न को छोड़ बाजली नरक स्वर्ग न को छोड़ बाजली नरक यो फर्क और दिन का तू ते खेलरी भान गगन का जड़ा पवन अंधेरा है तेरी अंजना जोड़ी ना मिली से तेरे पिता की गलती है गलती तेरी सकल पवन ते ना मिलती कुछ नावर तेरा है तेरी अंजना जोड़ी ना मिली। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा जे हम ये तो तीनों दादा हो गए हमारे जो प्रसिद्ध दादा हैं जिनका रागनियों के जो पूरक हो चुके हैं, चाहे वो स्वर्गीय दादा मांगेराम जी हों, पंडित लक्ष्मीचंद जी हों या दादा मेहर सिंह जी हों, बहुत से कवि हमारे जो इन तीनों से अलग हैं और उनने बहुत गजब गजब की तर्ज बहुत बढ़िया बढ़िया कथाएं चाहे वो काल्पनिक हो चाहे वो ऐतिहासिक हो लिखी, तो इन तीनों दादा ने छोड़ के नहीं किसी की बात आपने गाई और गाई तो फरमाया साहब की हम सब की गावांगे जो कालजी के नजीक भी हो जिसे लगा हाँ भैया बात भाई भगत जी की है। अच्छा। मंजीत जी बाजे भगत जी अच्छे कवि हुए, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। दंपत सिंह राय साहब और भाई दादा मुंशी राम और हमारे हरिकेश पटवारी जी पंडित देवी दत्त कुकड़िया से काफी अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। राम कुमार जुआ उनकी भी अच्छी रचनाएं हैं, अच्छे ज्ञानी इंसान रंगों के बड़े जबरदस्त बेहतरीन भगत जीओ की है। ओ धुमा
चंद करण की आवसे अटारी मारी चंद करण दुख पारी दूना ठाले ओ बाबा जी ओ देसा के नर भाग लगावे भगमा बाणे कै दाग ओ लगावे भगमा बाणे कै दाग या रुके रही नागी कटारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इस तो ऊपर तो राम का नाम है।